नमस्कार, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं रणवीर सिंह को देखे मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट के साथ। देखिए, अपडेट सबसे पहले बता देता हूँ, मरता क्या नहीं करता। जानते हो क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिये कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि देखिए आज प्रदेश के नौजवानों को मिल रही है, आज प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है। ठीक है, पहले ये नौकरियां एक परिवार के पास गिरवी रखी जाती थीं। ठीक है, अब इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। जो भाई चैनल पर पहली बार है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक सवाल और है यहां पर, देखिए नौकरियां मिल रही हैं, एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थियों ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जो भरोसा किया है और वो हर सभा के अंदर सफेद टोपी लाल टोपी और बीएड वालों के लिए अपना पूरा बयान दे रहे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बीच में सत्र उनका भी रहा, तो वहां पर अब सवाल ये खड़े होते हैं कि देखिए क्या उन्होंने उस वक्त बीएड टेट 2011 वालों की क्यों नहीं सुनी। बात तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, क्योंकि बीजेपी ने वादे किए थे बीएड टेट को यहां पर नियुक्ति देने के, लेकिन नियुक्ति नहीं थी, कमेटी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। तो अब अभ्यर्थियों ने देखिए यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर भरोसा किया है, अगर वो इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आते, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनका कहने का मतलब यह है कि वो सबको नौकरियां दे देंगे। ठीक है, बीएड टेट 2011 वालों को यहां पर वो नियुक्ति दे देंगे, इसका पूरा मतलब है। लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा कि देखिए कई सारे अभ्यर्थियों के ट्वीट आए थे, वो कमेंट्स आए थे और ट्वीट भी लगातार आ रहे हैं, फेसबुक पर भी लगातार अपडेट आ रही है कि देखिए क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि अखिलेश यादव नियुक्ति देंगे। एक उम्मीद है या सच में ऐसा होगा? दोस्त, क्लियर कर देता हूं, देखिए ये पूरा जो आंदोलन बीएड टेट 2011 का जो आंदोलन लगातार पिछले 11 साल से चला आ रहा है, मैंने पिछली कई सारी वीडियो में कहा है कि तीनों सरकार इसकी कहीं ना कहीं दोषी हैं, तीनों सरकार। देखिए सच छुपाए नहीं छुपता, और हम इस प्लेटफॉर्म से जो बात कर रहे हैं, अपने चैनल के थ्रू जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर मैं सच बात कर रहा हूं कि देखिए यहां पर तीनों सरकारें दोषी रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं तीनों सरकारों से उम्मीद लगा चुके हैं। अब आखिरी उम्मीद देखिए यहां पर अखिलेश यादव से लगाई है, सारे संगठन एक है और अखिलेश यादव से यहां पर उन्होंने उम्मीद लगाई है। तो देखिए कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये लड़ाई पिछले 11 साल से चल रही है और अब इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव है, इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव है, क्योंकि बीजेपी ने देखिए रिसेंटली धोखा दिया है और बीजेपी ने अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं दिखाई। और देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपसे फिर कहूंगा एक बार कि आप यहां पर कह रहे हैं कि आज प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है। भाई आप देख रहे हैं ट्वीट, इन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं दिखा भी रहा हूं। ठीक है, पहले ये नौकरियां एक परिवार के पास गिरवी रखी जाती थी, तो भाई एक चीज बता दीजिए आप यहां पर, आप पूरी जितनी भी रैलियां चल रही हैं उन रैलियों में आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, जो उम्र का एक पड़ाव भी पार कर चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर ऑप्शन होता तो शायद बात कुछ और होती, तो आप उनकी बात नहीं कर रहे हो, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो। तो आपने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर सफेद टोपी जो बीएड टेट 2011 वालों की, सफेद टोपी लाल टोपी से जाकर मिल चुकी है। देखिए अब यहां पर आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा पूरे विधानसभा चुनाव में 2022 में, वो देखना है। देखिए यहां पर मोदी जी की बात करूं तो देखिए मोदी जी अपनी जगह पर हैं और मोदी जी का इस पूरे मामले में देखिए सिर्फ इतना सा वो है कि वो योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये जो नौकरियों को लेकर जितनी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं को सिर्फ निपटाएं, उन समस्याओं को निपटाएं, उनको बढ़ाएं नहीं, जबकि प्रदेश में तो देखिए समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इनका असर 2022 के चुनाव के बाद आप सभी को दिख जाएगा। रही बात सबसे बड़ी कि देखिए ये एक उम्मीद है
यह सच में ऐसा होगा? तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप उम्मीद करना छोड़ दोगे, सकारात्मक सोच को छोड़ दोगे, पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर नहीं रहेगी, आप अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देखिए आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं तो देखिए यहां पर मैं भी उस बीएटेट 2011 का हिस्सा हूं, लेकिन मैं उन सभी साथियों को, उन भाइयों को यहां पर देखिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 11 साल से ये आंदोलन लगातार जिंदा रखा और अभी जिंदा है और ये लड़ाई चल रही है। हम उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट दे रहा हूं, लेकिन उन भाइयों को मैं देखिए यहां पर सल्यूट करूंगा कि जो भाई धरातल पर उतर कर उत्तर प्रदेश में जहां जहां धरना प्रदर्शन हुए वो लगातार पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो उनको देखिए यहां पर बहुत ही जो उनकी पॉजिटिविटी है वो यहां पर दिखाई दे रही है, तो उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो कहीं ना कहीं जीत इस लड़ाई में होगी। तो देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है, अगर फिर से धोखा मिला तो देखिए उसका जवाब आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिया जाता है। तो अब उम्मीद यहां पर यह है कि इस बार ये लड़ाई आर पार की है और इस लड़ाई में जीत होगी। और देखिए 2022 में यहां पर बीएटेट 2011 वालों को जो नुक्ति का रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये संदेश आप जन तक शेयर करें, ये एक विश्लेषण है। और देखिए हम हमेशा सकारात्मक विश्लेषण करते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी के पास रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से ही आगे एक सकारात्मक जीवन, अच्छा जीवन, मजबूत सोच के साथ जीना चाहिए। वही संदेश मैं यहां देना चाहूंगा और ये संदेश आप जन तक शेयर करें। बीएटेट 2011 जिंदाबाद, बीएटेट 2011 जिंदाबाद, संदेश जन तक शेयर करें। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित कोई भी खबर हो या अभ्यर्थियों से संबंधित कोई भी खबर का विश्लेषण हो, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।